तो भाई अब अपन ने ये देख लिया ना कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज देखी और ये भी देख लिया कि कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। देखो अब अगला पढ़ते हैं, अगर कंडक्टर को मैं चार्ज दे देता हूँ, अभी तक तो न्यूट्रल कंडक्टर था, अब कंडक्टर पर ही अगर मैं चार्ज छोड़ दूंगा तो क्या होगा। तो देखो सेकेंड, व्हेन चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर है अपने पास, है ना, स्फेरिकल कंडक्टर है, सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, न्यूट्रल है ये भी, है ना। अब तुमने क्या करा, इस पर चार्ज दिया है ना, तुमने इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज दे दिया समहाउ, तुमने क्या करा यूनिफॉर्मली कंडक्टिंग स्फीयर को, मुझे कंडक्टिंग वर्ड बार बार लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो कंडक्टर्स पढ़ रहे हैं हम, तुमने इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज दे दिया हर जगह, पूरी वॉल्यूम में अंदर बाहर हर जगह यूनिफॉर्मली, जैसे अपन करते थे ना, पढ़ा था ना अपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, पर इस बार वो नॉन कंडक्टिंग नहीं, इस बार कंडक्टिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है पर कंडक्टिंग है, ये t इक्वल टू जीरो पे समहाउ हमने ऐसा कर दिया, समहाउ ऐसा कर दिया हमने, अब करके छोड़ दिया, अब बताओ क्या होगा। तो क्या होगा भाई, ये इतना सारा चार्ज है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको इस तरह समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बोल दिया तो मूव नहीं करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स मान लो तुम, देखो इलेक्ट्रॉन्स के अगर नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, तो जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तुम तो सब कुछ मूवेबल मानो, पॉजिटिव दिख रहा है उसको भी तुम मूवेबल मान सकते हो कि वो मूव कर सकता है, असलियत में क्या हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, सेम चीज़ होती है, आया क्या समझ में, ठीक है। तो भाई ये इतना सारा चार्ज दे दिया, अब ये क्या है, ये सारा का सारा देखो जितना भी चार्ज बोल रहा हूँ वो एक्सटर्नल चार्ज है ना, वो सारा मूवेबल है, ठीक है। पर जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसका मतलब कभी भी नहीं है कि न्यूक्लियस मूव कर जाता है, मूव तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं, मूव हमेशा नेगेटिव चार्ज ही करता है, पर जब नेगेटिव चार्ज एक डायरेक्शन में मूव करता है तो पॉजिटिव अपने आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है, तो इस एनालॉजी से मैं पॉजिटिव चार्ज को भी मूवेबल मान सकता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बिकॉज इट इज़ द सेम थिंग, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया ना, तो अब टी इक्वल टू जीरो पे दे दिया ना, अब क्या होगा भाई, कंडक्टर है चार्ज मूव कर सकता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इन सब में क्या होगा, आपस में क्या हो रहा होगा, रिपल्शन, सारे चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, रिपल करके सब एक दूसरे से दूर भागना चाह रहे हैं, रिपल्शन हो रहा है ना, तो सबके सब दूर भागने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि कंडक्टर है तो वो मूव कर सकते हैं, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, जस्ट ऑफ है ना, थोड़ी ही देर बाद क्या हो जाएगा, ये जितना भी चार्ज था इसमें रिपल्शन था, है ना, ये पूरे सारे के सारे चार्जेस एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं जितना दूर जा सके उतना दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा, है ना, चार्ज इनसाइड कितना रहेगा, चार्ज इनसाइड द कंडक्टर कितना हो गया, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर जीरो, नेट चार्ज नहीं रहेगा कंडक्टर के अंदर कभी भी, जो तुमने एक्सटर्नल चार्ज दिया न्यूट्रल, अब ये न्यूट्रल कंडक्टर नहीं है, चार्ज कंडक्टर है ना, तुमने इसमें से इसमें प्लस 10 कूलम चार्ज दे दिया, अब वो प्लस 10 कूलम तुमने तो पूरे में दिया था, पर वो पूरा स्प्रेड आउट करके कहाँ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, और ऐसा हमेशा होगा, रीजन समझ में आ रहा है क्या, सिंपल कूलम्स लॉ भाई, रिपल्शन, जितना भी चार्ज दिया क्योंकि वो रिपल कर रहा था, अब रिपल कर रहा है तो वो कोशिश करेगा जितना दूर पॉसिबल है, जितना दूर जा सकता है उतना दूर जाएगा, और क्योंकि कंडक्टर पे फ्लो कर सकता है, कंडक्टर के बाहर नहीं जा सकता, अगर जा सकता होता तो इन्फिनाइट पे भाग जाता, समझ में आ रहा है, तो जितना सबसे ज़्यादा दूर इतना ही पॉसिबल है, तो सारा का सारा चार्ज क्या करेगा, हमेशा सरफेस पे आ जाएगा, लिखो, हाँ है, सरफेस पे भी रिपल कर रहा है, अब क्या करें बताओ, कर रहा है ना, रिपल तो कर रहा है, अब मान लो तुम और तुम्हारा कोई दुश्मन इस रूम में बंद कर दें, अब तुम दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहोगे, पर रूम के अंदर बंद कर दिया है, क्या करोगे बताओ, दूर तो इधर, एक इधर बैठ जाएगा, इधर बैठ जाएगा, यही है मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल, पहले से हाँ बिल्कुल हो जाएगी, सही बात है, हाँ ज़्यादा होगा ना, मैं बोल रहा हूँ होगा, हो रहा है, सही बात है, अब बोलो आगे, देखो वो ऐसी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, अल्टीमेटली पूरा ओवरऑल नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, इस जगह पे ओवरऑल नेट फोर्स जीरो नहीं था, उस जगह पे ओवरऑल नेट फोर्स जीरो हो गया,
ठीक है, बहुत सारा चार्ज आ गया, सही बात है। तो मान लेते ये एक चार्ज ले लो, ये बाकी का पूरे चार्ज के कारण इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है इधर पे, है ना। तो फिर इतना सारा फोर्स लग रहा है तो जा क्यों नहीं रहा, क्योंकि मटेरियल भी तो है, समझो मटेरियल है ना, वो पूरा का पूरा वो होल्ड करके रखा हुआ है उसको। अच्छा कोई टूटता क्यों नहीं है, मैं इसको खींच रहा हूँ, ये चीज़ टूट क्यों नहीं रही है बताओ। तो बस वहाँ पर भी वो सारे फोर्सेस आ गए थे, इतना भी नहीं कि कंडक्टर से बाहर चले जाने देंगे उसको, इतना तो न्यूक्लियस उसको होल्ड करके रखा है। तो नेट फोर्स जीरो है, कोई भी इक्विलिब्रियम आएगा वहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा, अभी भी नेट फोर्स जीरो है। अरे तुम इसको नेगेटिव चार्ज ही मान लो, इतना क्या कन्फ्यूजन का भाई। इधर तुमने एक्सटर्नल चार्ज दिया, अंदर न्यूट्रल है। देखो पहले जो हुआ था वो एक अलग सिस्टम था, पहले न्यूट्रल कंडक्टर था, तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा तो चार्ज इंड्यूस हुआ, जितना नेगेटिव आया उतना पॉजिटिव आया। अभी वैसा केस नहीं है, अभी तो तुमने एक्सटर्नल चार्ज दे रखा है उसको, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो लिखो भाई, इस लॉजिक से लिख लो भाई, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, दस एनी चार्ज गिवन टू द कंडक्टर कम्स टू इट्स आउटर सरफेस। याद रखना आउटर पे, इनर सरफेस पे कभी नहीं जाएगा, हमेशा आउटर वाले पे ही आएगा। जैसे ऐसा भी तो हो सकता है, ले ऐसा कोई बना दिया मैंने कंडक्टर, और लो यहाँ पे अंदर, चलो अंदर कोई कैविटी है, ये तुमने चार्ज इधर इधर ऐसे ऐसे दे दिया पूरे में, ये कैविटी है तुम्हारी, है ना, ऐसे ऐसे तुमने चार्ज दे दिया। तो क्या होगा थोड़ी देर बाद, जब थोड़ी देर बाद तुम देखोगे तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पहुँच चुका होगा, सरफेस पे, समझ में आ रहा है। इधर से ये सिचुएशन आएगी, इधर नहीं अंदर वाली कैविटी पे नहीं आएगा कोई चार्ज, कि यहाँ पर भी इस सरफेस पे भी आ जाए। अरे सोचो आ गया इस सरफेस पे, आ गया मान लो, रिपल्शन हो रहा है ना, दूर भागना चाह रहा है ना, तो मैक्सिमम कितना दूर भाग सकता है, सरफेस पे, तो आउटर सरफेस पे ही आएगा हमेशा, आ रहा है समझ में, इनर पे नहीं आएगा, ठीक है। देखो अब इस पॉइंट को, एक तो हमने कि भाई चार्ज जो है वो हमेशा आउटर सरफेस पे आ जाएगा, कंडक्टर के अंदर वॉल्यूम में कभी भी चार्ज नहीं रहेगा, नेट चार्ज है ना। देखो नेट चार्ज नहीं रहेगा भाई, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जो बाउंड है वो सारे तो उसके अंदर है ही है, दुनिया बनी है उससे, नेट चार्ज नहीं रहेगा। अब इस चीज़ को देखो, एक तरीका तो मैंने अभी बताया, ये बिल्कुल सबसे सही है भाई, फोर्स के टर्म में सोचो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, बिल्कुल सीधा सोचो भाई दूर भागना चाह रहे भाग गया ना, ये एक प्रूफ तो ये हो गया, और सबसे अच्छा तरीका यही है। पर इसको एक तरीके से और प्रूफ कर सकता हूँ, इसका प्रूफ नंबर टू लिखो। प्रूफ नंबर वन क्या है, ये जो एक्सप्लेनेशन दिया रिपल्शन, प्रूफ नंबर टू है ना, इसको गॉस लॉ से भी मैं प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है, इसको गॉस लॉ से भी मैं प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है। तो तुम भाई मान जाओ, मान लो कि नहीं गया चार्ज, बाहर नहीं गया, तुमने चार्ज दिया उसको, 10 कूलम का चार्ज दिया, रेड कलर से मैं क्या बता रहा हूँ, गॉसियन सरफेस, जस्ट इनसाइड मान लो, है ना, क्या कर रहे हैं, हमने एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करा जो कंडक्टर के अंदर है, ठीक है, ठीक है। तो भाई अब गॉस लॉ क्या बोलता है, जो भाई नेट फ्लक्स होगा तुम्हारा वो क्या होगा, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही है ना। हमने मान लिया भाई कि नहीं गया, हम तो कह रहे नहीं जा रहा चार्ज, चार्ज तो भाई इसके अंदर है, कंडक्टर के अंदर वॉल्यूम के अंदर ही है, चार्ज बाहर नहीं गया, ठीक है, मान लिया भाई नहीं गया चार्ज बाहर नहीं गया, तो भाई नेट फ्लक्स क्या होगा, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स क्या होता है इलेक्ट्रिक, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, याद रखना। वो फ्लक्स क्या होगा इससे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमेशा, अगर ये कंडक्टर है, अगर कंडक्टर नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो कंडक्टर के लिए पढ़ रहे हैं, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो फ्लक्स क्या हो गया जीरो, तो Q enclosed क्या हो गया, लो प्रूफ है, यही तो प्रूफ करना था। तो गॉस लॉ भी बोल रहा है हो ही नहीं सकता ऐसा, चार्ज कभी कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज कभी रह ही नहीं सकता, अगर कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ये तो हमने प्रूफ कर दिया, देख लो, देखो सेम चीज़ को गॉस लॉ से प्रूफ कर दिया। देखो ज़्यादा दूरी पर रखोगे तो इंटेंसिटी कम आ जाएगी, जो लाइट बाहर आ रही है उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ये बात सही है, जो सर्कुलर पैच दिखता है ना आर रेडियस का, जितना ज़्यादा अंदर रखोगे सोर्स को वो सर्कुलर पैच उतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और उसकी ब्राइटनेस उतनी कम हो जाएगी,
पर ओवरऑल एनर्जी जो बाहर आ रही है वो सेम रहेगी। हाँ ठीक है ना। तो देखो अभी अपन ने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी भाई होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के कारण। अब सबसे पहले तो देखो जब अपन होलो स्फीयर बोलते हैं उसका क्या मतलब है और सॉलिड स्फीयर बोलते हैं उसका क्या मतलब है ना। तो देखो अपन ने सबसे पहले तो सॉलिड स्फीयर के कारण निकाली थी ना। सॉलिड स्फीयर जब अपन ने बोला था यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, तो उससे अपना मतलब क्या था भाई, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कि अपन ऐसा स्फीयर मान रहे थे सॉलिड था और नॉन कंडक्टिंग था, तभी तो चार्ज अंदर रहा। इसका मतलब था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है लिख ले, पूरा लिख दूं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो जब भी अब मैं समझ जाऊँ यहाँ पे ना, मैं अगर सॉलिड स्फीयर बोल रहा ना जल्दीबाजी में बोलूँगा ना, तो सॉलिड स्फीयर मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग स्फीयर की बात नहीं कर रहा ना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि उसके अंदर चार्ज रहता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी भाई, आउटसाइड वाले पे तो थी के क्यू बाय आर स्क्वायर, अंदर कितनी थी के क्यू आर बाय आर स्क्वायर या फिर रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड थी भाई, ये सिर्फ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए ट्रू है। इसकी जगह अब हमने एक और क्या पढ़ा था, स्फेरिकल शेल या फिर होलो स्फीयर है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल या फिर होलो स्फीयर। तो जब मैं होलो स्फीयर बोल रहा हूँ तो इसके तीन मतलब निकल सकते हैं। एक तो इसका मतलब है कि भाई होलो कंडक्टिंग, एक मतलब निकल सकता है होलो नॉन कंडक्टिंग। होलो कंडक्टिंग मतलब भाई होलो तो है ही और साथ में कंडक्टिंग भी है, इसका मतलब होलो है और नॉन कंडक्टिंग है। खैर होलो ये दोनों तो सेम सी चीज़ है ना, क्योंकि इनके अंदर कुछ है ही नहीं, दोनों होलो है, तो ऑब्वियसली चार्ज को सरफेस पे रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो होलो स्फीयर का मतलब होलो कंडक्टिंग भी निकल सकता है, होलो नॉन कंडक्टिंग भी। पर याद रखना जब नॉन कंडक्टिंग बोल रहे हो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना ही चाहिए चार्ज। देखो इसमें तो कुछ भी हो जाए हमेशा ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। जब वो कंडक्टिंग है तो तुम अगर मान लो इधर पे इस तरफ ज़्यादा चार्ज डेंसिटी दे दो, इस तरफ कम दे दो, जैसे ही छोड़ोगे वैसे ही वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज स्प्रेड करेगा क्योंकि चार्ज मूव कर सकता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर तो दिक्कत नहीं होती, यहाँ पर तो हमेशा ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर तो तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इधर पे 10 कूलम दे दूँ, यहाँ पे 0 कूलम रखूँ, यहाँ पे -5 कूलम कर दूँ, और जो रख के छोड़ूंगा वैसे ही रहेगा जिंदगी भर वो, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है ना। नॉन कंडक्टिंग में फ्लो नहीं कर सकता, कंडक्टिंग में फ्लो कर सकता है। तो याद रखना अपन ने जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज। तो जब भी मैं बोल रहा हूँ होलो नॉन कंडक्टिंग, वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, वरना कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। इसमें एक केस और जुड़ जाएगा, होलो मतलब भी सॉलिड नहीं हो सकता है, सॉलिड कंडक्टिंग को भी हम होलो की ही तरह ट्रीट करेंगे। क्यों? अब है तो ये वही सॉलिड स्फीयर, स्फीयर तो सॉलिड है, पर कंडक्टर का बना है ना, मान लो आयरन का कोई बता सॉलिड बॉल बनी है ना, अब उस पर तुमने चार्ज दे दिया, है तो वो सॉलिड ना, पर तुमने उस पर चार्ज दिया तो क्या होगा, चार्ज तो बाहर आएगा ना। और जब हम यहाँ पे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो वो चार्ज के कारण निकल रही है ना, तो चार्ज के टर्म में तो ये क्या है, होलो ही है ना, वैसे ये सॉलिड है, तो सॉलिड कंडक्टिंग में भी किसका फॉर्मूला लगेगा, होलो स्फीयर का। ये क्लियर है या नहीं पहले बताओ? ये फुल फॉर्म तुमने होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, ये सब होलो स्फीयर के अंदर आएंगे। क्यों? और याद रखना इतना कठिन नहीं है, सिंपली चार्ज कहाँ है यार, चार्ज को देख के तुम्हें फॉर्मूला लगता है, चार्ज बाहर है ना, अगर चार्ज बाहर है तो ये सब होलो है, चार्ज अंदर सिर्फ इस केस में रहेगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड कंडक्टिंग में चार्ज अगर तुम अंदर दोगे तो भी बाहर आ जाएगा, अभी पढ़ाना। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे क्या रहती है और इनसाइड पॉइंट पे, तीनों में पढ़ा था अपने, होलो के अंदर जीरो होती है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी अभी पढ़ लिया जीरो होती है। लिखो जल्दी से लिखो ये।